यदि आपके फ़ोन में हिडन ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप को आप हाइड या अनहाइड करना चाह रहे हैं लेकिन आपके फ़ोन में हिडन ऐप की जो सेटिंग होती है वो आपके फ़ोन में नहीं शो हो रही है, आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हिडन ऐप का यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आप अपने फ़ोन में हिडन ऐप का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये मिस हो गया है, इसको वापस कैसे लाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन की बैक सेटिंग जाइए, पूरा बैक करके इस तरीके से सेटिंग में आइए। मेन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आइए, इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए आपको ऐप्स का, आपको यहाँ पे ऐप्स या हो सकता है आपके फ़ोन में मैनेज ऐप के नाम से हो या ऐप लिस्ट के नाम से हो सकता है, आपको यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ लोगों के फ़ोन में मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं या कुछ लोगों के फ़ोन में ऐप लिस्ट के नाम से रहता है, तो आप इस तरीके से क्लिक करिएगा तो आपके फ़ोन में ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर तरफ आपको यहाँ पे सर्च करके ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च अमॉन्ग करके आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिस्टम लॉन्चर। देखिए सिस्टम लॉन्चर, आपको सिस्टम लॉन्चर आप सर्च करिएगा कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर तरफ आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज पे क्लिक करिएगा। नीचे तरफ क्लियर डेटा मिलेगा, क्लियर डेटा पे क्लिक करिएगा। इसके बाद क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए, इसको आपको ओके कर देना है। ये ट्रिक आप या सेटिंग आपको तभी करना है जब आपके फ़ोन में सर्च में भी नहीं आता, क्योंकि ये सेटिंग कर या यहाँ पे डाटा रीसेट करने से आपके फ़ोन का जो सेटिंग है वो पूरा रीसेट हो जाता है, आपकी फ़ोन की जो सेटिंग है वो पूरी चेंज हो जाती है। इतना करने के बाद आप इस तरह से आइए अपने फ़ोन में, आप यहाँ पर आप सर्च करिए, देखिए यहाँ पर आप सर्च करिए इस तरीके से हिडन ऐप सर्च करिएगा, आपके फ़ोन में जो पहले हिडन ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो ऑप्शन अभी आपके फ़ोन में आने लगेगा।